हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लाई हूँ। आपका नेट का यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा दे रही हूँ। ये लास्ट समय के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको पता भी चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने थोड़ी बहुत कमी रखी है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो सब क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ मुझे फॉलो कर लें सितंबर शिल्पी सर्च करके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य विज्ञान एवं पोषण, फर्स्ट यूनिट है, उसी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट आ गई है सितंबर में आपका पेपर है, तो टाइम ही कितना बचा है, बहुत कम टाइम है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जून 2018 में पूछा गया था, पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानवमिति तरीके हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपने मानवमिति टॉपिक नहीं पढ़ा है और नेट के स्टूडेंट हैं तो आज ही उठाइए और इस टॉपिक को क्लियर करिए। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, दो चार क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो मानवमिति वाला जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानवमिति तरीके हैं। पहला, हीमोग्लोबिन की मात्रा का अनुमान लगाना, मतलब जो हीमोग्लोबिन है उनकी मात्रा का अनुमान लगाना। MUA सीक वेस्ट हिप रेशो, मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना, बॉडी मास इंडेक्स। तो क्या है, तो पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानवमिति तरीके कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानवीय तरीके आपके MUAC है, इसको याद रखिएगा, आपका वेस्ट हिप रेशो और बॉडी मास इंडेक्स, ये तीन तरीके हैं आपके पोषण स्तर के निर्धारण के लिए मानवीय तरीके। बॉडी मास इंडेक्स में आपका भार और लंबाई देखी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बॉडी मास इंडेक्स बहुत बार पूछा गया है, तो इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका जून 2018 में पूछा गया था, जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए। जो जन स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनके लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए, ताकि स्वस्थता को बढ़ावा दिया जाए, जो स्वस्थता है उसको बढ़ावा दिया जाए। और कारण ये बता रहे हैं कि अधिक शारीरिक भार मोटापा गैर संक्रमक रोगों के विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख कारण है। तो जो अधिक शारीरिक भार है, जो शरीर का अधिक भार है, वो मोटापा है, वो गैर संक्रमक रोगों के विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख कारण है। तो हमें बताना है कि ए और आर दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, या ए और आर दोनों सही हैं। तो जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल मैं बताना चाहती हूँ कि दोनों ही इन्होंने जो अभिकथन किया है और जो कारण बताया दोनों ही सही है, तो राइट आंसर डी है। मैं बताना चाहती हूँ कि जन स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों सारी क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए, ताकि स्वच्छता को बढ़ावा मिले। बिल्कुल, जो इंसान का स्वास्थ्य है वो खुले स्थान पर ज़्यादा अच्छा रहता है। मॉर्निंग वॉक क्यों कहा जाता है खुले स्थान पर किया जाए, इसीलिए। तो ये बिल्कुल अभी कथन सही है और कारण भी सही है। जो लोग अधिक मोटे होते हैं और भार होता है, उनको जो गैर संक्रामक रोग हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं, तो ये भी कारण बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ए आर दोनों, यानी डी राइट आंसर। फिर अकाल के समय एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से लेकर 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं जो अकाल है उस समय एक जन समुदाय में, जो जन समुदाय है, जन का समुदाय है, उसमें जो कुपोषण का स्तर का, जो कुपोषण है उसका निर्धारण करने के लिए ये सबसे व्यापक मान तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से लेकर 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए, ये कह रहे हैं। और कारण ये कह रहे हैं कि आहार की कमी के समय कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो बिल्कुल इसमें देखते हैं कि क्या राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों गलत हैं, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बताना चाहती हूँ कि अकाल के समय एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक और मान तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से लेकर 59 माह तक के बच्चों के लिए किया जाए। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, पर जो ये कारण बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जब आहार में कमी के कारण, जब आहार में जब हमें पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल, तो क्या होगा उसके अंदर कुपोषण के लक्षण दिखेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें सबसे पहले कुपोषण के लक्षण विकसित होते हैं। तो जो कारण बता रहे हैं वो सही है, पर अभिकथन बिल्कुल गलत ये बता रहे हैं कि इनका निर्धारण 6 से लेकर 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाना चाहिए, तो ये गलत है। फिर है जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है। तो खाद्य उत्पादन में आपका सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? 45 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर 115 डिग्री फॉरेनहाइट, 41 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर 135 डिग्री फॉरेनहाइट, 35 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर 124 डिग्री फॉरेनहाइट, 38 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर 145 डिग्री फॉरेनहाइट। तो कौन सा खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? तो मैं बताना चाहूँगी जो आपका खाद्य उत्पादन है उसमें सही खतरा क्षेत्र आपका 41 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर 135 डिग्री फॉरेनहाइट है। फिर जुलाई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है किसी व्यक्ति के, मैंने बताया ना मानव मिति टॉपिक क्लियर नहीं किया है तो पढ़ लीजिए, ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमें पता चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किसी व्यक्ति की मानवमिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित मापे जाते हैं, वजन, रक्तचाप, ऊंचाई, हीमोग्लोबिन, MUAC, कमर की परिधि। तो जो कब किसी व्यक्ति की जो मानवमिति मूल्यांकन में निम्नलिखित मापे जाते हैं, क्या मापे जाते हैं ये हमें बताना है, वजन, रक्तचाप, ऊंचाई, हीमोग्लोबिन, MUAC, कमर की परिधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो किसी व्यक्ति की मानवमिति मूल्यांकन में निम्नलिखित मापे जाते हैं, पहला तो वजन, फिर आपका ऊंचाई, फिर MUAC और कमर की परिधि। वजन, ऊंचाई, MUAC और कमर की परिधि, ये मूल्यांकन किए जाते हैं, मूल्यांकन में मापे जाते हैं। ये आपका जुलाई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है आपका जून 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार के लिए किए गए अमीनो अम्ल के समक्ष उपयोग के लिए आवश्यक है। ये कह रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त, जो कार्बोहाइड्रेट है और आपके वसा से प्राप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार के लिए किए गए अमीनो अम्ल के समक्ष उपयोग के लिए आवश्यक है ये कह रहे हैं। और कारण ये बता रहे हैं कि जो आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के, जो आहार संबंधी जो प्रोटीन है वो शरीर के प्रोटीन, एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है ये कह रहे हैं। तो फिर से समझिएगा क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये अभिकथन कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा से पर्याप्त गैर प्रोटीन, जो गैर प्रोटीन है वो ऊर्जा आहार के लिए किए गए अमीनो अम्ल के समक्ष उपयोग के लिए आवश्यक है। जो अमीनो अम्ल के समक्ष उपयोग के लिए आवश्यक ये कह रहे हैं। और कारण ये बता रहे हैं कि आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन और एंजाइम्स कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है तो ये कह रहे हैं। तो हमें बताना चाहेंगे जो ये अभिकथन कह रहे हैं बिल्कुल सही है और कारण भी ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? क्योंकि वो अमीनो अम्ल के समक्ष उपयोग के लिए आवश्यक होता है, ये बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है, तो बी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2014 में पूछा गया था, देखिए फिर मानवमिति,
मैं बता रही हूँ पोषण स्तर की मानवमिति वाला टॉपिक अच्छी तरह पढ़ लीजिए। नेट के स्टूडेंट है अभी भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। मैं बोल रही हूँ फिर से, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, लिख लीजिए एक क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट जरूर देख लीजिए मानवमिति वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पोषण स्तर की मानवमिति की विधि नहीं है? तो त्वचा परत की मोटाई, कमर की परिधि, रक्तचाप, मध्य ऊपरी बाह की परिधि। तो निम्न में से कौन सी विधि पोषण स्तर की मानवमिति की विधि नहीं है? तो त्वचा परत की मोटाई, कमर की परिधि, रक्तचाप, मध्य ऊपरी बाह की परिधि। ये जून 2014 में पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सी विधि पोषण स्तर की मानवमिति नहीं है? तो मैं बता दूं जो आपका मानवमिति है इसमें आपका त्वचा परत की मोटाई, कमर की परिधि और मध्य ऊपरी बाह की परिधि ये सब आता है, पर रक्तचाप नहीं आता है। पोषण स्तर की मानवमिति में रक्तचाप नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अभी कथन बोल रहे हैं कि विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो इनका भी कथन है कि विकासशील जो देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। कारण ये बता रहे हैं कि लोगों का शिक्षा सार कम होता है, प्रतिदिन आहार में फ़र्क नहीं होता, उनका 24 घंटे याद रखने से सही परिणाम मिलता है। ये कारण बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे याद करना विधि का उपयोग ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कि मतलब 24 घंटे वो रिकॉल करते हैं ये कह रहे हैं। तो इसका इन्होंने क्या कूट दी है कि ए सही है परंतु आर गलत स्पष्टीकरण है, ए सही है और आर सही स्पष्टीकरण है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये क्वेश्चन है, इन्होंने कहा जो विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे याद करना विधि का उपयोग ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही कथन कह रहे हैं। और जिन लोगों का शिक्षा स्तर कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फ़र्क नहीं होता, जिनके आहार में फ़र्क नहीं होता, इनका 24 घंटे याद रखने से सही परिणाम मिलता है, तो ये स्पष्टीकरण भी इन्होंने सही दिया है इन्होंने। तो ये था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए सही है और सही स्पष्टीकरण है। तो आज के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था प्रीवियस ईयर का, इसके साथ मैं जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगी प्रैक्टिस सेट के साथ, इसके साथ मैं दूसरा कराने जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके और बताएं कि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं। तो समय कम है, इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। धन्यवाद।